सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और मैं हूँ मौलिका शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है शुक्रवार और शुक्रवार को हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम के जरिए हम आपको अंकों से जुड़ा ज्ञान देंगे। एक अक्षर के प्राणी किस व्यक्तित्व के होते हैं, ये तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट नितिन गुप्ता जी। शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का, बात करेंगे नितिन जी के साथ। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नितिन जी, बहुत ही खूबसूरत बातें इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें बताते हैं। न्यूमरोलॉजी के विषय में बहुत ही खूबसूरत जानकारियां आपने समय समय पर हमें दी हैं। आज आप हमें बताएं एक अंक के जो प्राणी होते हैं वो किस व्यक्तित्व के होते हैं, विस्तार पूर्वक। ओके मौलिका जी, हाँ, ओंकार थ्योरी जो हमारी अपने रिसर्च वर्क है उसके आधार पे नंबर वाइब्रेशंस को बहुत सुंदर ढंग से आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक नंबर के जो व्यक्तित्व हैं, हम लोग, मैं अक्सर कहता हूँ सीधी बात नो बकवास, तो जिस तरह से एक नंबर दिखने में है, स्ट्रेट स्ट्रोक है उसका, एक सीधी लाइन है, ऐसे बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति होते हैं। अपनी बात को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, किसी भी काम की शुरुआत कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे एंड होगा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी और क्लैरिटी माइंड में उनके पास होती है। बाय बर्थ उनके एक गुण है उनके पास। और ऐसे व्यक्ति कोई, आप देखिए उसके स्ट्रोक में कोई राउंडेड नहीं है, जैसे दो नंबर तीन नंबर राउंडेड होते हैं, एक नंबर में कोई राउंड नहीं है बीच में, तो उनको कोई घुमाव फिराव वाली बात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और स्पष्टवादिता के कारण कई बार लोग उनको ऐसा फील कर सकते हैं कि ऐसे लोग एरोगेंट है, घमंडी हैं या रूखे व्यक्तित्व के हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। वो लोग अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट करना पसंद नहीं करते, वो लोग जीवन में एक प्रयोजन पूर्ति के लिए एक डेफिनेट एम के साथ, टारगेट के साथ मूव करना पसंद करते हैं। और किसी भी काम की शुरुआत करने का श्रेय इनको जाता है। नंबर वाइब्रेशन 9 में देखें तो पहला नंबर उनका है, तो शुरुआत करने का जो गुण है, जो इनिशिएशन है, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग है, वो ऐसे व्यक्ति स्टार्ट कर सकते हैं और एक राजा की तरह एक काम करते हैं। जिस तरह से एक राजा होता है जिसका काम है चीज़ों को क्रिएट करना, बनाना, चीज़ों को स्टार्ट करना और उसको फिनिश तक लेके जाना, तो एक नंबर के व्यक्ति स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट उसको गवर्न करते हैं, चीज़ों को ध्यान करते हैं। और जैसे एक राजा होता है वो सारी प्रजा का ध्यान रखता है, प्रोटेक्टिव होता है, तो एक नंबर के व्यक्ति भी अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनके जो भी लोग उस प्रोजेक्ट में उनके साथ जुड़े हैं, उनकी केयर करना पसंद करते हैं। हाँ, इमोशनली वो इसको एक्सप्रेस हो सकता है ना कर पाएँ, वो अपने को दिखा ना पाएँ कि मैं आपकी केयर कर पाऊँ, लेकिन मन से उनके अंदर एक भाव होता है कि वो प्रोटेक्टिव होते हैं, केयर करते हैं कि किसी को चोट पहुँचे तो उसको हील कर दें, उसको एक हीलिंग टेंडेंसी भी उनके अंदर होती है। और स्पष्टता तो मैंने बताया कि एक स्पष्ट है। और लीडरशिप ट्रेट्स होते हैं, अपने कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा लीडर, एक लीडर की तरह से काम करते हैं, लीडरशिप गुण होते हैं, लीडरशिप लेकर चलना चाहते हैं, लोगों को साथ लेकर चलना। जी, ये एक विशेष बात और जानना चाहूंगी नितिन जी। कई बार हम देखते हैं एक व्यक्ति के जो प्राणी होते हैं किस अंक के साथ बहुत ज्यादा सूटेबल, जिनके से रिलेशन, अगर विवाह की बात करें तो कौन से व्यक्ति उनके साथ सूटेबल होते हैं, ये भी आप हमें बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है और ये हम लोगों के पास रेगुलर हमारे लोगों की इंक्वायरीज आती हैं। जी, तो मैंने आपको बताया कि एक नंबर स्पष्टवादी लोग हैं, उनको स्पष्टवादी लोग पसंद होते हैं इन जनरल। उनके सामने अगर आप कुछ घुमाव फिरा के बोलें, टाइम वेस्ट करें, कहानी का ज़्यादा करें, तो हो सकता है वो इरीटेट हो जाएंगे। आप उनसे रेलिवेंट टू द पॉइंट बात करेंगे तो वो दे विल बी हैप्पी। तो आप इन जनरल व्यवहार में एक नंबर वाले व्यक्ति को, एक नंबर वाला व्यक्ति बहुत अच्छा सूट करता है। लेकिन जब बात आती है विवाह की, आपने स्पेशली विवाह के बारे में पूछा, वहाँ पर एक इंटीमेट रिलेशनशिप की बात आती है, तो हमें एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक म्यान में जिस तरह से दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही शादीशुदा जो जीवन है उसमें एक नंबर के ही अगर दो व्यक्ति हैं तो उनका रिलेशनशिप अच्छा होने की उम्मीद बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही लीडर हो जाएंगे, बिल्कुल फॉलोअर कोई नहीं होगा। तो एक नंबर का दूसरे एक नंबर वाले व्यक्ति, मान लीजिए जिनकी जन्म तिथि जो बर्थ डेट का टोटल डिजिट्स का आता है, अगर वो एक आता है, स्पेशली जो इनिशिएटर हम बोलते हैं, जो फर्स्ट डेट का टोटल है, अगर एक आता है तो उनको आपस में
अगर दूसरे नंबर सपोर्टिव नहीं है स्पेशली, तो बिल्कुल उनको नहीं आगे बढ़ना चाहिए, उस रिलेशनशिप को मैरिज में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। एक नंबर वाले की एक नंबर से मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में कंपैटिबिलिटी बहुत वीक हो जाती है। एक नंबर वाले की कंपैटिबिलिटी दो नंबर वाले के साथ चल सकती है, क्योंकि दो नंबर इज़ बाय बर्थ वो सपोर्टिव रोल में पैदा होते हैं। जिस तरह से रोमन डिजिट में आप देखिए दो का अंक हैं, टू पैरेलल लाइंस, और वन का डिजिट है एक सिंगल लाइन जी, तो ये हैं खुद से डिसीजन मेकर। एक नंबर है सेल्फ स्टार्टर और डिसीजन मेकर, वो किसी से सलाह लेना पसंद नहीं करेंगे। दो नंबर वाला व्यक्ति जो है वो सपोर्टिव रोल में ही है, वो केयरिंग रोल में है, वो इमोशनल है जी। तो एक नंबर को जैसे एक राजा है तो उसके सपोर्ट में एक कोई फीमेल ऐसी जो एक सपोर्टिव रोल में हो, जो ज्यादा विद्रोही ना हो, जो ज्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट ना करती हो और शांत हो। जी ऐसी स्थिति हर सिचुएशन में होनी चाहिए शायद, क्योंकि यदि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी होगा और अगर दूसरा भी क्रोधी होगा तो तालमेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जी। बेसिकली एक को शांत होना बहुत जरूरी है जी। तो उस सिचुएशन से व्यक्ति कैसे डील करे? देखिए दोनों क्रोधी हैं तो ये क्रोध दो तीन कारणों से हो सकता है, कि या तो मूल स्वभाव है, जैसे नौ नंबर एक अग्रेसिव वाइब्रेशन है, एक नंबर भी एक फायर एलिमेंट होता है उनमें, बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन एक अग्रेसिव नेचर होती है। और चार नंबर जो है पर्टिकुलरली, चार नंबर वैसे शांत स्वभाव के हैं लेकिन अग्रेसिव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अगर उनके एंटी बात होगी, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने उनको बोला, आज आपने एक इंस्ट्रक्शन दी ऐसे ये काम इस तरह से करना है, लेकिन कल आप उसमें फेरबदल कर दें, तो चार नंबर वाले व्यक्ति को एकदम एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी उस बात के प्रति, उनके एक्सेप्टेंस लेवल वीक होते हैं। वो कहते हैं जी आपने ये बात ऐसे बोली थी, इसको ऐसे ही करना चाहिए, जो आपने हमें गाइडलाइंस दी हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए, आप चेंज मत कीजिए। अगर आपने चेंज किया तो फिर दे टर्न रिबेलियस, फिर वो विद्रोही स्वभाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्सेप्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी चार नंबर के अंदर बहुत कम होती है, अनलेस दे आर ट्रेंड योगिक फिलॉसफी से, या अदरवाइज उनको ट्रेन किया जाए, या वो ट्रेन अपने आप को करें, अदरवाइज नेचुरली वो नहीं है, उस केस में अग्रेशन की चांसेस बन जाते हैं। और हमारे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है राहु और सूर्य को ग्रस्त है, तो हमारी ओंकार थ्योरी उन चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करती है। वो चीज़ें भी शामिल होती हैं आपकी थ्योरी में? जी, वो हमारी ओंकार थ्योरी जो हमारा रिसर्च है वो वेरीफाई करता है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी या जो भी हमारे पुराने सिद्धांत हैं, वैदिक नॉलेज है इंडिया की, उनको भी वो वेरीफाई करता है कि हाँ उसके अनुरूप है, वो उनके साथ एंटी नहीं है, अनुरूप है, उनके साथ कॉर्ड उसके सामंजस्य में है। तो अगर अग्रेसिव नेचर हो रही है तो सबसे पहले ये देखना है कि दोनों अग्रेसिव हैं तो किस कारण से हैं। इसका सबसे अच्छा हमारा जो रिसर्च बेस्ड अपना सॉल्यूशन है वो है, हम लोग नाम में इस तरह के फेरबदल करते हैं कि दोनों कॉर्डियल हो जाते हैं जी। हमने हमारे पास ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर दोनों का आपस में हॉरोस्कोप वाइज भी मिलान नहीं हो रहा था और नेचर में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन नाम में चेंज करने के बाद काफ़ी हद तक दोनों की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई हैं जी। कई बार आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे कि लव मैरिज के यदि हम बात करें तो उस स्थिति में शुरू शुरू में तो चीज़ें बहुत सरल और बहुत इजी लगती हैं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। उस स्थिति को आप कैसे डील करते हैं नितिन जी, आप हमें बताएं। देखिए मौलिका जी, ये जब सबसे पहले कोई भी लव मैरिज होती है तो कोई ना कोई हम कहते हैं कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसी नंबर वाइब्रेशन डेफिनेटली होगी जिसने उस इवेंट को अलाउ किया, जो उन दोनों को नज़दीक ले के आई और उन दोनों ने डिसीजन लिया कि हम एक मिलकर जीवन जिएंगे जी। तो हमें उनकी लाइफ को एनालाइज करके उनके नंबर्स को डिटेल्ड एस्ट्रोनोमोलॉजी एनालिसिस के द्वारा हम समझते हैं कि कौन सी वो वाइब्रेशन है जो दोनों को सपोर्ट कर रही है। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी वो वाइब्रेशन है जो इनके बीच में डिस्कॉर्ड पैदा कर रही है, क्यों इन दोनों के बीच में अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है। तो हम लोग कहीं एक नंबर ही नहीं होता एक व्यक्ति का, इनफैक्ट नौ की नौ वाइब्रेशन ही सब व्यक्तियों में होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो कौन कौन सी वाइब्रेशंस मिलकर तो वो डिस्कॉर्ड पैदा कर रही हैं और कौन कौन सी वाइब्रेशन सपोर्टिव रोल में है। तो ऑब्वियसली जो डिस्कॉर्ड पैदा कर रही हैं उसमें हम देखते हैं कि क्या इनके नाम जो हैं क्या वो उन वाइब्रेशंस पे सेट हैं, या शादी के बाद अक्सर एक दूसरे को निक नेम से बुलाना शुरू कर देते हैं, या लड़की का जैसे सर नेम चेंज हो गया, और आजकल तो एक कॉन्टेक्स्ट है कि लड़कियां अपने मेडन जो नेम होता है वो भी रिटेन करती हैं, तो वो नेम की वाइब्रेशन जो चेंज हो जाती है शादी के बाद वो एक इन्फ्लुएंस डालती है उनके रिलेशनशिप पे। शादी के बाद वो जिस घर में रहने लग गए हैं, जिस स्पेस में रहने लग गए हैं, वो कमरा किस दिशा में है, वो घर कैसे बना हुआ है, और वो इंटीरियर्स कमरे के अंदर वॉल्स पे रंग क्या है, या कर्टेंस या दूसरी चीज़ें कौन सी कहाँ पर है, शीशा कहाँ पर है, इस तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी उन वाइब्रेशंस को स्ट्रेंथन या वीक करते हैं या मॉडिफाई करते हैं उनके इफेक्ट्स को। तो ये सारे आस्पेक्ट्स को चेक करके हमें ये देखना होता है कि वो जो डिस्कॉर्ड वाली वाइब्रेशंस थी वो कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को उस पर ट्यून कर लिया है। हमें उसको बस वहाँ से हटा के फेवरेबल वाइब्रेशंस पर ट्यून करना होता है, दैट्स इट।
बाकी काम नेचर अपने आप करती है। जी, यदि हम आज के दौर की आज की स्थितियों की बात करें जी, तो ये प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा देखने को मिलती हैं, विशेषतः कारण क्या है ज़रूर जानूंगी आपसे, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज हैं, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके आप विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नूडल्स? नो जंक फूड। जी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन, और आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की। और ऐसे ही कार्यक्रम में आज फिर से हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए न्यूमरोलॉजिस्ट नितिन गुप्ता जी, शुभारंभ करेंगे एक बार फिर से अपने इस विशेष कार्यक्रम का, बात करेंगे नितिन जी के साथ। नितिन जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई, लेकिन जैसा कि मेरा प्रश्न था वो ये था कि कई बार ये जो दिक्कतें परेशानियां देखने को मिल रही हैं ये अब ज़्यादा क्यों, बल्कि अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पहले इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट होती थी, अब इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होने का विशेष कारण क्या है, आप हमें बताएं। मौलिका जी, समय के साथ कॉन्शियसनेस के लेवल में चेंज आता है, स्पेसेस में चेंज आता है, जो पहले सोच थी वो सोच अब नहीं रही है, जो अब सोच है वो पहले नहीं होती थी, और अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है, जो एक्सपोजर जो अवेयरनेस अब है वो पहले नहीं होती थी। पहले के ज़माने में प्रेम विवाह लव मैरिजेस कितनी होती थी आपके सामने, अब होने लग गई हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस ज़्यादा हो गई है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अब ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, लोग इंडिविजुअल के तल पर सोचते हैं, और यही कारण है कि संयुक्त परिवार अब देखने को नहीं मिलते, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स तो कुछ हद तक पहले भी होती थी, जैसे हेल्थ के केसेस पहले भी प्रॉब्लम आती थी लोगों को शरीरों में, शायद वो डायग्नोज नहीं होता था, प्रॉब्लम पता नहीं होती थी और उस पर ही लोग बिना इलाज के ही आगे बढ़ जाते थे। अब डायग्नोज हो गया तो लोगों को पता लगता है ये बीमारी है या ये बीमारी है और इस तरह के ट्रीटमेंट हैं। आयुर्वेद तो आज भी 120 प्रकार की बीमारियाँ बताते हैं और वही समाधान है, उन्हीं से लोगों को फ़ायदा होता है। तो न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में भी ये वाइब्रेशंस का स्वरूप बदलता है। मैं कई बारी बोलता हूँ इस बात को कि अगर कोई ऐसा प्लैनेट हो जहाँ पर इंटर रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट ना करती हो, मैं कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का जो विज्ञान है वो सिर्फ कॉन्शियसनेस के साथ ही दैट कम्स इनटू इफेक्ट, वो प्रकट होता है। अगर किसी प्लैनेट पे हम हैं जहाँ पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इंटरेक्शन नहीं है, वहाँ पर ये एब्सोल्युटली नलीफाई हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेरे साथ लोगों ने कई बार प्रश्न किया कि आप इंग्लिश, आपने ओंकार थ्योरी पे इंग्लिश डिजिट्स को आपने एक्सप्लेन किया, हिंदी डिजिट्स में जो लिपि है देवनागरी लिपि उसको एक्सप्लेन नहीं किया। अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो 100% वो भी वेरीफाई होगा, लेकिन बात यह है कि अब कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी के डिजिट्स इस्तेमाल में लाते हैं, बिल्कुल ऐसे कितने लोग हैं जो चैत्र बैसाख और तिथियों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, हम सब लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो ये एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। आज हम अगर 2019 के साल में चल रहे हैं, जब ये साल नहीं बने थे 2,500-2,000 साल पहले, तब क्या न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती थी? तब भी करती रही होगी, हाँ, इस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड वे में लोग किताबों में लिख के या कोर्सेज के माध्यम से पढ़ाते नहीं रहे होंगे, लेकिन वाइब्रेशन भी ना हो नितिन जी, वो इंटर रिलेशनशिप तो तब भी थी, लेकिन तब वो कैसे होते कि प्रथमा अष्टमी की, आज अष्टमी है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में हाउस एड्रेस की बात करते हैं कि आपके घर का एड्रेस कैसे इफेक्ट देता है, तो जब पुराने ज़माने में एड्रेसेस बहुत सारी जगहों पे, मैं पुरानी दिल्ली की बात अगर करूं तो ऐसा होता था कि पुरानी दिल्ली के कुछ जगहों पे क्या होता था कि गली होती थी कि इस गली में चौथा मकान गुप्ता जी का है जी, बिल्कुल, बजाय कि एब्सोल्यूट एड्रेस पे हम बात करें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस गली के उस एड्रेस के कॉन्टेक्स्ट में 4 नंबर का इफेक्ट उस घर पे,
लोगों जो हैं उनकी नज़रों में वो चार नंबर का जो इफेक्ट है वो गुप्ता जी का मकान उनको वो जनरेट करना शुरू करेगा और यही वो बेसिक आधार है हमारी रिसर्च का जो न्यूमरो वास्तु में हमने रिसर्च की है और जो हम कहते हैं कि जो हमारी रेमेडीज़ हैं जो इतना अमेजिंगली काम करती हैं क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकल लेवल से उठाते हैं. हम कहते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस में क्या फीड है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए. हम लोगों ने ये डिस्कवर किया सबसे पहले कि अगर आपके मोबाइल के अंदर नाम की स्पेलिंग को ऑल्टर कर देंगे और हमारे एनालिसिस के अनुसार तो आपका उस व्यक्ति से रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा. और बहुत लोगों ने वेरीफाई किया. उन्होंने देखा कि उनका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेशनशिप प्रॉब्लम में था और जब से नया फ़ोन लिया या फ़ोन में स्पेलिंग ऑल्टर करी वो रिलेशनशिप या तो बेहतर हो गया या ऑल्टर हो गया या सेम भी रहा पर वो ऑल्टरेशन होने का एक इफेक्ट उनको दिखा, प्रभाव पड़ा. तो जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है, हमारी जो चेतना है उसका विकास हो रहा है, तो इन वाइब्रेशंस का जो इन्फ्लुएंस है वो भी मॉडिफाई हो रहा है. एब्सोल्यूट कुछ नहीं है इस धरती पे, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट तो सिर्फ एक आप कह सकते हैं सुपर कॉन्शियसनेस ईश्वर है, अदरवाइज नथिंग इज एब्सोल्यूट. तो टाइम के साथ इवॉल्व हो रही है चीजें. नितिन जी, एक अक्षर के जातकों के विषय में आपने बताया कि विवाह की स्थितियां कैसी रहेंगी. अब वही लोग मतलब कि एक अक्षर के लोग यदि व्यापारिक दौर पर किसी से जुड़ना चाहते हैं किसी भी अक्षर के साथ तो उनकी स्थितियां कैसी होनी चाहिए ये भी जरूर जानेंगे. लेकिन फिलहाल यहाँ पर जुड़ी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, प्रियंका है बेंगलोर से. प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार. बताएं क्या प्रश्न, क्या समस्या है आपकी. नमस्कार मैम. जी नमस्कार जी. एक्चुअली मैं पिछले दो तीन बार से सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रही हूँ और हर बार दो या तीन मार्क्स से रह जाती हूँ. तो मैम मुझे जानना था कि क्या नंबर मेरे को किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं. मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1981 है. जी जी बताएं इसके. प्रियंका जी ने बोला है 5th अक्टूबर 1981. जी. बर्थ नंबर्स 5 और 7 आ जाते हैं इनके, जिनको हम इनिशिएटर सस्टेनर कहते हैं. तो प्रियंका, 7 सस्टेनर जो है, हम कहते हैं सस्टेनर डिफाइंस योर वर्क डोमेन, आपका वर्क डोमेन को डिफाइन करता है. तो सिविल सर्विसेज आपके लिए एक आइडियल डोमेन है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं. ये डिपेंड करेगा आपके और नंबर्स की वाइब्रेशन किस प्रकार से काम कर रही है और उसके लिए एक डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत होती है. लेकिन अगर हम आपके केवल नाम और बर्थ डेट के आधार पर बात करें तो प्रियंका आप 2-3 मार्क्स से, आपने कहा कि आप कुछ एक 2-3 मार्क्स से ही आप बार बार मिस कर रही हैं और आप बहुत नज़दीक हैं उसके. तो इसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा और ये उन सब लोगों के लिए कहना चाहूँगा, इनफैक्ट जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट जो है हम लोग उसको नंबर 1 से या सूर्य से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपके लिए एक नंबर की वाइब्रेशन को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, आपके घर में भी, आपके नाम में, आपके हर तरह से, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आपके अप्रोच है, आपके स्टाइल हैं, उन सब में एक नंबर की वाइब्रेशन ज़रूरी है. तो प्रियंका, सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा कि डेली सुबह उठ के और सूर्य देव को प्रणाम ज़रूर करें. इसमें कोई आपको जल देना है या कोई और मंत्र पढ़ना है, कुछ करना है, उसकी ये आपके ऊपर है, कोई ज़रूरत नहीं है. केवल सुबह उठ के मन से आप उनको प्रणाम ज़रूर करें और कोशिश करें जब अर्ली मॉर्निंग के सन हो, रेड जब वो कलर में होते हैं, उस समय पे आप उनको प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि आपको ये आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ. इसके साथ ही आपको अपने घर में एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है. आपके घर में पूर्वी दीवार जो है, पूर्वी हिस्सा है घर का, ईस्टर्न पार्ट जो है, वहाँ पर ग्रे और ब्लैक, डार्क ब्लू ग्रे ब्लैक, इस कलर के कोई शेड्स वहाँ पर ना हो. फॉर एग्जांपल मान लीजिए किचन है और वहाँ पे आपने ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन लगा रखा है, या आपकी दीवारों के ऊपर ग्रे या ब्लू पेंट हो रखा है, या कर्टेंस है, या उस तरह के कोई वहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए हैं, कुछ भी इस तरह का इंटीरियर हो रखा है, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए. और इसी प्रकार घर के वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी दिशा जो है, वहाँ पर आपको ग्रीन और ऑरेंज, इन दो कलर्स का स्ट्रिक्टली, जैसे वहाँ पे कोई आपने ग्रीन प्लांट्स अगर लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं आपने, या पर्दों के रंग हैं, या दीवार पे कोई रंग है इस तरह के, तो आप लोगों को स्ट्रिक्टली उसको तुरंत उसको हटा लेना चाहिए वहाँ से. ये बेसिक दो चीज़ें हैं जो आप सब लोगों को, जो भी लोग सिविल सर्विसेज के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और थोड़े थोड़े नंबर से रहते हैं स्पेशली, उन लोगों को ये ज़रूर उपाय तुरंत कर लेना चाहिए. ये करने से आपके, अगर ये चीज़ें हैं आपके घर में, इसको हटाते ही आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू विल सी द डिफरेंस. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जी, एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर्स आ रहे हैं, आप तुरंत उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं. नितिन जी, कॉलर लेने से पहले एक मेरा विशेष, व्यापारिक तौर से जो व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कौन सा अक्षर उचित रहेगा आप हमें बताएं.
मौलिका जी, एक नंबर वाले व्यक्ति के लिए नॉर्मली ए ए जो अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए जे वाई, ये उनसे रिलेटेड वाइब्रेशंस हैं, एक नंबर से रिलेटेड। लेकिन ये वाइब्रेशन अगर बिजनेस है तो एक नंबर वाले को मैंने पहले कहा एक नंबर वाले सूट करते हैं, तो इसी अक्षर से स्टार्ट होने वाले नाम एक प्रेफरेंस हो सकती है। लेकिन एक नंबर वाले के लिए दो नंबर भी सपोर्टिव होता है, नौ भी सपोर्टिव होता है, तीन भी सपोर्टिव होता है। तो टू थ्री एंड नाइन, ये वाइब्रेशंस नॉर्मली एक नंबर के लिए सपोर्टिव होती हैं, सिर्फ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं। कुछ कॉन्टेक्स्ट में दो सपोर्टिव नहीं भी होता, वो न्यूट्रल होके रह जाते हैं, और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये वाइब्रेशन सपोर्टिव हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी व्यक्ति है, उनका डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल आपको पता लगा कि 9 तारीख को जन्म है, या मान लीजिए उनका 30 तारीख का जन्म है या 3 तारीख का है, तो आप ऐसे लोगों को एक फर्स्ट लेवल पे आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, दे शुड बी फेवरेबल फॉर मी, ये मेरे लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, और उनके नाम का अल्फ़ाबेट आप देख सकते हैं। बाकी उनके फिर नाम का टोटल क्या आता है और आपके मोबाइल में आप कैसे फीड करते हैं, उस आधार पर आप अनफेवरेबल को भी काफ़ी हद तक अपने लिए फेवरेबल की तरफ ला सकते हैं। रेमेडीज के तौर पर आप क्या कुछ विशेष बताते हैं, आप हमें बताएं नितिन जी। मैं हम लोग नॉर्मली 18 किस्म की रेमेडियल टेक्निक्स है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग अल्फ़ा टेक्निक यूज़ करते हैं, गामा टेक्निक यूज़ करते हैं, और मास्टर स्ट्रोक टेक्निक है, यूके टेक्निक है, डीपी टेक्निक, इस तरह के हमने नामकरण किए हैं टेक्निक्स के, क्योंकि हम लोग एक वर्कशॉप चलाते हैं उसमें सिखाते भी हैं। तो जनरली जो यूज़ में आती है हमारी रेमेडीज़ में, तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है वो है नाम, नेम की स्पेलिंग और या निक नेम्स का निर्धारण। इसके अलावा हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स डिसाइड करते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर का सेट, फॉर एग्जांपल 369 है या 123 है, कोई भी इस तरह का कोड हम लोग डिसाइड करते हैं, और रिक्वायरमेंट के अनुसार नंबर ऑफ डिजिट्स डिसाइड करते हैं, और वो हम लोग उसको उनको यूज़ करवाते हैं। उससे रिलेटेड हम लोग कलर कॉम्बिनेशंस जो स्पेशली हम लोग लोगोज़ में यूज़ करते हैं, बिजनेस लोगोज़ में, या सिग्नेचर्स में हम लोग चेंज कराते हैं, जेम स्टोन्स का यूज़ करते हैं, मंत्र वगैरह का बताते हैं, और सब मोस्ट पावरफुल जो है वो हम लोग वास्तु चेंजेस, घर के अंदर जो स्पेस में चेंजेस हैं वो चेंजेस कराते हैं जी। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे आज? आज की डिस्कशन हमारी एक नंबर वाले लोगों पे केंद्रित थी, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की भी बर्थ डेट में एक नंबर का डिजिट 3 या 3 से ज़्यादा बार आता है, मान लीजिए नवंबर महीने में जन्म है और 1900 में जन्म है, तो 3 बार तो मिनिमम आ गया, और बर्थ डेट में भी मान लीजिए 11 तारीख का जन्म है तो 5 बार आ गया। ऐसे व्यक्ति जब भी आपकी लाइफ में हो, तो आप ऐसे व्यक्तियों के लिए तो मैं पहले ये कहूँगा कि खुद आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और अपने आप को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पष्टता के साथ और बहुत रेलिवेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके कारण आसपास के लोग उतनी स्पीड नहीं हो पाने के कारण उनको ये लगता है कि आपने उनको इग्नोर कर दिया या आप उनके साथ रूढ़ हो गए, रूखे हो गए। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा उनके लिए कंसिडरेट होकर लाइफ में चलेंगे तो आप बेहतर ग्रुप्स का निर्माण कर पाएंगे, बेहतर सपोर्ट सिस्टम अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे, तालमेल अच्छा रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा। और कई बार ऐसे व्यापारी और इस तरह के बिजनेस हाउसेज हैं जहाँ पे बात करते हैं कि वो हमारे पुराने स्टाफ थे काफ़ी टाइम से, और छोटी सी बात पे हमें छोड़ के चले गए, नाराज हो गए जी, बिल्कुल, और उससे बिजनेस आपका सफ़र करता है, आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो मिशन के साथ बढ़े हैं, वो हैम्पर होता है। तो आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करके उनके लिए प्रति भी कंसिडरेट होना चाहिए। और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक नंबर वाले व्यक्ति जो हैं वो दिल के बहुत स्पष्ट होते हैं और बहुत साफ सुथरे इंसान होते हैं, छल कपट कभी भी नहीं होता एक नंबर के अंदर, पर एक नंबर की क्लैरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वो मिशन फुलफिलमेंट पे ध्यान करते हैं। तो आप उनके साथ हैं तो उनको सपोर्टिव रोल में रहें, उनकी बात का बुरा ना माने, ये देखें कि वो एक सबके भले के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सुंदर। चलते चलते एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज हैं, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर भी नोट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। नितिन जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मौली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।